आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है सपा। पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। लखनऊ में कल हुई थी सपा की अहम बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है सपा। पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। लखनऊ में कल हुई थी सपा की अहम बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है सपा। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनावी माहौल है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है सपा। पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। लखनऊ में कल हुई थी सपा की अहम बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है सपा। कल अहम बैठक हुई थी सपा की, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। फतेहपुर में प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर गिनाई अपनी पार्टी की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता श्वकांत तिवारी ने लगाया रात्रि चौपाल, बड़ी खबर सामने आ रही है। हुसैनगंज क्षेत्र के एराया ब्लॉक का मामला। फतेहपुर में प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर गिनाई अपनी पार्टी की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता श्वकांत तिवारी ने लगाया रात्रि चौपाल, हुसैनगंज क्षेत्र के एराया ब्लॉक का मामला। फतेहपुर में प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान, बड़ी खबर सामने आ रही है। घर घर जाकर गिनाई अपनी पार्टी की उपलब्धियां। कांग्रेस नेता श्वकांत तिवारी ने लगाया रात्रि चौपाल, बड़ी खबर सामने आ रही है। हुसैनगंज क्षेत्र के एराया ब्लॉक का मामला। फतेहपुर में प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां आचार संहिता लागू हो चुकी है और घर घर जाकर अब अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रत्याशी और कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता श्वकांत तिवारी ने रात्रि चौपाल भी लगाया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। हुसैनगंज क्षेत्र के एराया ब्लॉक का मामला। फतेहपुर में प्रत्याशियों ने शुरू किया डोर टू डोर अभियान। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरह से ये मामला सामने आया, कांग्रेस नेता श्वकांत तिवारी ने रात्रि चौपाल लगाया है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो क्या ये सही है? देखा जाए तो पूरी तरीके से आचार संहिता का अगर खुलेआम उल्लंघन है। रात्रि चौपाल लगाना बिल्कुल कतई भी जो है कानूनी जायज नहीं है जी। पर क्या है कि ये रूरल एरिया पड़ता है, बिल्कुल रूरल एरिया है, जहाँ पर इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है कि रात्रि में चौपाल लगा करके जो है अपनी पार्टियों की नीतियों का जो बखान किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और हकीकत में देखा जाए तो इस तरीके की खबर का जो ये है, ये जिले के मुख्यालय अधिकारियों के संज्ञान में जा भी चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो रात्रि चौपाल लगाकर जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उस पर प्रशासन कितना सख्त होता है। जी अमरदीप, सिर्फ आचार संहिता ही नहीं बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और रात्रि चौपाल लगाया, क्या रात के अंधेरे में इसीलिए ये चौपाल लगाया गया है ताकि जो है इसकी भनक किसी को ना लगे? जी हाँ, ये हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि इस तरीके से जैसे किया जा रहा है, रात्रि चौपाल लगाई जा रही है, कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसमें तो पूरी तरीके से प्रशासन को अपने जो है जो मातहत कर्मचारी हैं उनको गांवों में इस तरीके से चौकीदारों के माध्यम से इस तरीके की गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए इन पर जो है इन प्रत्याशियों पर या जो भी भावी प्रत्याशी जो अपने को घोषित कर रहे हैं उनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए, तभी पूरी तरीके से आचार संहिता का पालन करवाया जा सकता है। जी जी अमरदीप, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है प्रत्याशियों की? देखिए ऐसा है कि देखिए जो ये डोर टू डोर की जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर ये मतदाताओं को जो लुभाने का कार्य किया जा रहा है तो बहुत पहले से देखा जा रहा है, बहुत पहले से समय से ऐसी गतिविधियां सामने आती रही हैं कि देखिए डोर टू डोर कार्यक्रम तो चलाया जाता है पर मतदाता अपने ही मत का जो उसके जो दिमाग में चलता है वो उसी को करता है। बाकी ये तो एक जन लुभावने जो है कार्यक्रम है, बाकी मतदाता अपने मतदान की करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। जी जी अमरदीप जी, जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है तो क्या इसमें सभी नियमों का पालन किया जा रहा है? सिर्फ 5 ही लोग जा रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए और किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी पार्टी के काम गिना रहे हैं, नीतियां गिना रहे हैं या फिर कोई प्रलोभन देने का भी काम चल रहा है?
नहीं देखिए ऐसा है कि ये केवल अभी तो फिलहाल वो अपनी पार्टियों पे जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसी की बात कर रहा है कि हमारे पार्टी ने ऐसा कार्य किया, और दूसरी पार्टी का तो कोई नाम नहीं ले रहा। पर ये बिल्कुल बात सही है शिखा जी कि पूरी तरीके से अगर आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता का पालन करवाना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक मानी जा रही है तो ये प्रशासन को देखने वाली बात है कि हम कितनी कड़ाई से आचार संहिता का पालन करवाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे फतेहपुर से। आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है फतेहपुर में। रायबरेली में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से बीओबी के मैनेजर को गोली मारी, 5 गोलियां लगने से मैनेजर की हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है। डीह ब्रांच में मैनेजर के पद पर तैनात थे जय प्रकाश पाल। मिल एरिया थाना क्षेत्र के श्याम नगर की घटना। रायबरेली में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को मारी गोली, 5 गोलियां लगने से मैनेजर की हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बैंक मैनेजर के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, डी ब्रांच में मैनेजर के पद पर तैनात थे जय प्रकाश। मलेरिया थाना क्षेत्र के श्याम नगर की घटना बताई जा रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। रायबरेली में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को मारी गोली। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है, दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती, क्या कहेंगे? संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 5 गोलियां लगने से मैनेजर की मौत हुई है, बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। डी ब्रांच में मैनेजर के पद पर तैनात थे जय प्रकाश पाल, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में कोरोना से हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही। जनपद में मृतकों की संख्या 3 हुई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37 मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 123। लखीमपुर खीरी में कोरोना से हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में मृतकों की संख्या हुई 3। बीते 24 घंटों में कोरोना के 37 मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 123, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। जनपद में मृतकों की संख्या 3 हो गई है। कोरोना से मौत का मामला सामने आया, 24 घंटे में 37 मरीज सामने आए, 123 मरीज एक्टिव सामने आए हैं। रायबरेली में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से बीओबी के मैनेजर को गोली मारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, 5 गोलियां लगने से मैनेजर की हुई मौत। इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे? ये कहीं ना कहीं जो है वो कानून व्यवस्था के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। और रायबरेली आपको बताते चले, रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह एक सीधे साधे ब्रांच मैनेजर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के डी ब्रांच में मैनेजर थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और आपको बताते चले, 5 गोलियां मारी गई है। और हैरानी की बात है, अभी तक जो है पुलिस जो है वो बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई, और बदमाश जो है बड़े आराम से जो है वो फरार हो चुके हैं। जी ओम शंकर, क्या पहले से बैंक मैनेजर और बदमाशों की कोई रंजिश चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था? नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हत्या के हर बिंदु पर जो है पड़ताल चल रही है, और जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनकी छानबीन काफी बारीकी से करी जा रही है। फोरेंसिक्स जो है साक्ष्य निकालने के लिए टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो है जघन्य हत्याकांड से जो है पूरे शहर में एक हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, 5 गोलियां लगने से मैनेजर की हुई मौत, डी ब्रांच में मैनेजर पद पे तैनात थे जय प्रकाश पाल।
मथुरा में राशन डीलर को नहीं मिल रहा खाद्यान्न। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसएमआई की मनमानी से राशन डीलरों को हो रही परेशानी। खाद्यान्न होने के बावजूद नहीं मिल रहा राशन, बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा के आरएफसी गोदाम का मामला। मथुरा में राशन डीलर को नहीं मिल रहा खाद्यान्न, बड़ी खबर सामने आ रही है एसएमआई की मनमानी से राशन डीलरों को हो रही परेशानी। खाद्यान्न होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा राशन, राशन के लिए परेशान नजर आ रहे लोग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी होगी नई गाइडलाइंस। आईसीएमआर की गाइडलाइंस का किया जा रहा मूल्यांकन, बड़ी खबर सामने आ रही है। संक्रमितों के संपर्क में आने से कई लोग संक्रमित, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं मांगी जाएगी जांच रिपोर्ट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी होगी नई गाइडलाइन। आईसीएमआर की गाइडलाइंस का किया जा रहा मूल्यांकन, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की जांच जरूरी नहीं, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं मांगी जाएगी जांच रिपोर्ट। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आईसीएमआर की गाइडलाइंस का किया गया मूल्यांकन, संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की नहीं होगी जांच जरूरी, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं मांगी जाएगी जांच रिपोर्ट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, नई गाइडलाइंस जारी हुई है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस का किया जा रहा है मूल्यांकन, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की जांच जरूरी नहीं, दूसरे राज्यों में जाने पर नहीं मांगी जाएगी जांच रिपोर्ट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई है नई गाइडलाइन। इस नई गाइडलाइन के तहत आईसीएमआर ने मूल्यांकन किया है और कहा है कि संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच जरूरी नहीं है, और साथ ही दूसरे राज्यों में जाने पर भी नहीं मांगी जाएगी जांच रिपोर्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, कोरोना के कमजोर पड़ते रूप को देखते हुए ये आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइन जारी करी गई है, संक्रमितों के संपर्क में आने वाले को जांच की जरूरत नहीं। बड़ी खबर सामने आ रही है, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से नई गाइडलाइन जारी की गई है, संक्रमितों के संपर्क में जो लोग आएंगे उनको जांच कराने की जरूरत नहीं है, दूसरे राज्यों में जाएंगे तो रिपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये नई एडवाइजरी, नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनका टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। इस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य जो लोग जा रहे हैं उनको भी जांच रिपोर्ट उनसे भी नहीं मांगी जाएगी। दो दिन पहले ये जो आईसीएमआर है उसकी तरफ से गाइडलाइन किया गया था, और उसका जो मूल्यांकन करने के बाद ये नियम बनाए गए हैं जी। आईसीएमआर और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले दिशा निर्देशों के बाद उसको मूल्यांकन किया गया है, और उसके बाद इसको एक नई जो नई गाइडलाइन है उसे रखा गया है जी। तो नितिन, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन कोरोना का जो रूप है वो कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या इसी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, कोरोना का इस बार का जो रूप है, ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना है, विशेषज्ञ हैं जो है उनका भी कहना है कि ये बहुत हाईली म्यूटेन नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नॉर्मल जो थ्रोट इन्फेक्शन है और जो नेजल इन्फेक्शन है वही हो रहा है इसमें, तो इसी वजह से शायद इस तरह का फैसला लिया गया है, क्योंकि अगर ये म्यूटेन नहीं ज्यादा कर रहा है या फिर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है, इसी को देखते हुए ये जो गाइडलाइंस है ये बनाई गई है। नितिन, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए, विदेश से जो भी आएगा उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, एयरपोर्ट पर हो गया या फिर जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है हर जगह पर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी जैसे पहले होता था, और वो लगभग लखनऊ में भी चल रहा है। एयरपोर्ट जो है या फिर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर टेम्परेचर नापने से लेकर बाकी जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं, बाकी जो नियम पालन है किया कराया जा रहा है, तो उसके लिए तो पूरी एहतियात बरती जा रही थी। जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल करी जाए, उनका कोविड टेस्ट किया जाए, और उसके बाद ही उन्हें
दाखिला दिया जाए शहर में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, कोरोना के कम होते रूप को देखते हुए, कमजोर होते रूप को देखते हुए आईसीएमआर द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है। अवैध शराब पर कसा पुलिस का शिकंजा, बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस ने शराब और लहन नष्ट की। छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुआ फरार। पूरा मामला लक्सर के बाढ़ गंगा का। अवैध शराब पर कसा पुलिस का शिकंजा, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस ने शराब और लहन को किया नष्ट, बड़ी खबर सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुआ फरार। पूरा मामला लक्सर के बाणगंगा का बताया जा रहा। अवैध शराब पर कसा पुलिस का शिकंजा, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी, पुलिस ने शराब और लहन किया नष्ट, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, छापेमारी के दौरान शराब माफिया हुआ फरार। और औरैया खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां विधायक विनय शाक्य को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। जहां बिधूना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय शाक्य के कथित अपहरण को लेकर खुद विधायक और उनके परिजनों ने सफाई दी है। जबकि सभी लोग इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शांति कॉलोनी में सुरक्षित है। सुनिए क्या कुछ कहा है। कोई आरोप गलत, सब गलत है आरोप, कोई सही नहीं है। अब क्या बताएं, हम इलेक्शन की वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, सही पूछो उसे, और क्या है। वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं, और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। बेटी क्यों ऐसा बोल रही है, क्या वजह आपको लग रही है? कुछ नहीं, सिर्फ ये उसे ना राजनीति में अपना जाना है, सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ कर रही है, और कोई वजह नहीं है। तो जहां से पहले ये खबर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय शाक्य की बेटी का बयान सामने आया था, जिसमें वो कह रही थी कि उनके पिता का अपहरण हो गया है, उनको जबरदस्ती लेके गया है, तो अपहरण की बात सामने आई थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विनय शाक्य की बेटी ने भी आरोप लगाए थे अपहरण के, जिसके बाद पुलिस का भी बयान सामने आया था, और पुलिस ने कहा था कि नहीं, वो सकुशल है। और अब ये नया अपडेट सामने आया जहां पे परिवार ने इसे, यानी कि बेटी के बयान को नकारा है। और बेटी ने क्या कुछ कहा था पहले वो भी सुन लीजिए। सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वह कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है।
मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवार। तो आपने विनय शाक्य की बेटी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि तबीयत खराब हो गई थी जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ और सोचने समझने की शक्ति उनकी कमजोर हो गई जिसके बाद उन्हें ले गए हैं अपने साथ, अपने परिवारजनों के बारे में कहा। वहीं पुलिस का बयान सामने आया था कि वो अपने रिश्तेदारों के सकुशल है। पुलिस के बारे में भी पुलिस का बयान भी आपको सुनाते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें औरैया स्थित विधुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को ज़बरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इस पे पुलिस द्वारा जांच करेगी, जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वह अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में, वहाँ पर मौजूद हैं। साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं जो पुलिस द्वारा उनको मुहैया कराया गया है, वह भी वहाँ पर मौजूद थे। इस समय हमारे एक डिप्टी एसपी लेवल के क्षेत्राधिकारी खुद विधायक जी के साथ उनके इटावा स्थित आवास पर मौजूद हैं और उन्होंने बताया है कि विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है। तो आपने पुलिस का बयान भी सुन लिया और अब जो परिवार का नया बयान सामने आया जो कि हमने आपको पहले सुनाया था, जिसमें वो सभी जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं अपहरण के उसको नकारते हुए नजर आ रहे, तो एक बार वो भी सुन लेते हैं। कोई आरोप गलत, सब गलत है आरोप, कोई सही नहीं है। तो ये इस तरीके के आरोप बेटी क्यों लगा रही है, क्या वजह? अब क्या बताएं, इलेक्शन की वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, सही पूछो उसे, और क्या है? वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है, उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। बेटी क्यों ऐसा बोल रही है, क्या वजह आपको लगता है? कुछ नहीं, सिर्फ ये उसे ना राजनीति में अपना जाना है, सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ कर रही है और कोई वजह नहीं। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, परिजनों ने जिस तरह से नकारा है रिया शाक्य का बयान, जो कि विधायक विनय शाक्य की बेटी है, उन्होंने जो आरोप लगाए थे उसको नकारा है और बताया कि 3-4 साल से साथ थे, स्वेच्छा से साथ है। पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारा है कि सुरक्षा कर्मी भी साथ है, यानी अपनी स्वीकृति से रिश्तेदारों क्या रह रहे हैं। और रिश्तेदारों ने भी ये कहा है कि राजनीति कर रही है सिर्फ उनकी बेटी, क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं आपको बता दूं कि बिजुना में विधायक विनय शाक्य के लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। इटावा में अपनी माँ और के साथ और अपनी भाई की बहू के साथ में वो सास ससुर रह रहे हैं और उनके साथ में स्वच्छता कर्मी गार्ड भी है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश औरैया के जिले के बिजुना विधानसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के MLC विनय शाक्य खुद विधायक और उनकी माँ, उनकी छोटी बहू उनके साथ में है। और जो भी रिया का बयान आ रहा है उनके पूरे परिवार जनक उसको नकार रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। जी, तो क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है कि ये सब जो रिया का बयान सामने आया था वो सिर्फ राजनीति की वजह से राजनीति करना चाह रही है या फिर टिकट पाना चाह रही है, इस वजह से ये सब कर रही है? अगर देवेश शाक्य की जो पत्नी जो बयान दे रही है उसमें तो साफ साफ कह रही है सिर्फ राजनीति को लेकर ही कर रही है। और विनय शाक्य जी अगर कहीं भी जाना चाहते हैं उनके साथ बराबर रह रहे हो, जहाँ भी जाना चाहते हैं वो लोग उनको लेकर जाते हैं। भाई जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता जाहिद जुड़े थे। तो सीधे तौर पर परिवार का बयान सामने आ गया है जिसमें परिवार कहता नजर आ रहा है कि 3-4 साल से साथ रह रहे, स्वेच्छा से रह रहे, अगर उनको जाना होता तो वो खुद से चले जाते। तो बेबुनियाद बताया गया है ये सारा बयान, जिस तरह से अपहरण की बात की गई थी तो अपहरण बेबुनियाद नजर आ रहा है, सिर्फ इसके पीछे राजनीति ही वजह नजर आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।